स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू ऑल? आई विश यू ऑल आर फाइन. टूडे वी विल डू वर्कशीट 1A, सब्जेक्ट साइंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट. टॉपिक ऑफ टूडेज वर्कशीट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स. दिस साइन यू वॉच्ड इन सोशल मीडिया, डेंजर साइन. कॉशन. ओके, ये चेतावनी आपने देखी होंगी आपकी डेली लाइफ में. नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विच चेज और गजट्स व्हेन द बॉडी इज वेट. जब बॉडी वेट गीली होती है तो आपको कभी भी इलेक्ट्रिक स्विच या गजट्स मशीनें आपको टच नहीं करनी चाहिए, बिजली के यंत्र. नेवर टच द इलेक्ट्रिक वायर्स विद बेयर हैंड्स. नंगे हाथों से कभी भी बिजली की तारों को नहीं पकड़ना चाहिए. नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवर हेड पावर लाइन्स. जहाँ से पावर लाइन्स जा रही हो वहाँ पतंग नहीं उड़ाना चाहिए. डोंट टच इलेक्ट्रिक पोल्स एंड ट्रांसफार्मर. बिजली के खंभे या ट्रांसफार्मर को टच कभी भी नहीं करना चाहिए. रिप्लेस द बल्ब ओनली व्हेन इट इज स्विच्ड ऑफ एंड इज कूल. बल्ब को जब आप चेंज करो तभी करें जब वो ठंडा हो और स्विच ऑफ हो. यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक सेल्स हमेशा जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं तो इलेक्ट्रिक सेल्स ही यूज़ करें. ओके, नाउ हियर देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. आपने इलेक्ट्रिक सेल देखा होगा अपने अलार्म में, घड़ी, उसी में भी देखना आप, वॉल क्लॉक में भी होता है. उसमें एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल. ओके, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रिकल सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है. All electric cells have two terminals, a positive terminal and a negative terminal. Electric cell के दो terminal होते हैं, आपको अभी बताया था, positive terminal और negative terminal. Battery क्या होती है? A combination of two or more cell. दो या दो से अधिक cell के combination को हम क्या बोलते हैं? Battery बोलते हैं. Okay student, ये आपने देखा होगा bulb है ये. Bulb क्या होता है? A device which converts electricity into light. जो electricity को light में convert करता है वो क्या होता है? Bulb. बल्ब के अंदर ये फिलामेंट होता है. फिलामेंट क्या है? ए टाइनी कॉइल टंगस्टन वायर विच इज़ सपोर्टेड बाय टू थिक वायर इनसाइड द बल्ब. ये देखिए रेड कलर का क्या है? ये टंगस्टन है. फिलामेंट किसका बना है? ये टंगस्टन का. ओके स्टूडेंट, नाउ हियर देर आर ए सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स. ये सिंबल्स दे रखे हैं कनेक्टिंग वायर्स. इसको वायर का ये सिंबल होता है. स्विच ऑन इन ऑन पोजीशन. ये स्विच ऑन पोजीशन का देखो, इसमें सर्किट पूरा हो जाता है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. बल्ब का ये सिंबल होता है. सेल का ये देखिए, ये सेल का सिंबल है. स्विच इन ऑफ पोजीशन. ऑफ पोजीशन में देखिए ये सर्किट पूरा नहीं होता इसलिए तार देखो ये है, यूँ है ये, इसलिए सर्किट अगर इसको यूँ कर देंगे तो सर्किट पूरा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी. तो ये है स्विच ऑफ का सिंबल. बैटरी में एक से ज़्यादा सेल होते हैं तो देखिए ये इधर सेल ये किसका सिंबल है? बैटरी का सिंबल है ये. ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन है, विल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए सर्किट इन विच देर इज ए गैप बिटवीन टू वायर्स. नहीं, नो, द इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो इन ए सर्किट इन विच देर इज ए गैप बिटवीन द टू वायर्स. वाई? क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट जो है फ्लो नहीं करेगा. ओके, ये देखिए, नो, व्हेन देर इज ए गैप बिटवीन द टू वायर्स द इलेक्ट्रिक सर्किट विल नॉट बी कंप्लीट एंड द करंट डज नॉट फ्लो अंटिल द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑब्जेक्ट्स यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फैन करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी. पेन नहीं करता है. मोबाइल करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी. फोन भी करता है. वाटर करता है. वाटर क्या देखिए, ये देखिए वाटर बोटल है ये. अब वाटर बोटल कौन सी वाटर बोटल? इलेक्ट्रिसिटी की भी वाटर बोटल आती है. सिंपल है तो नहीं करता वाटर बोटल. ओके, तो इसमें नहीं पे आएगा. फैन नहीं, पैन नहीं, फैन करता है इलेक्ट्रिक जो बिजली से चलने वाली, वो क्या है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं. फैन करता है, पैन नहीं करता. मोबाइल करता है, फ़ोन भी करता है. वाटर बोटल नहीं करती अगर सिंपल वाटर बोटल है तो. हालांकि इलेक्ट्रिक वाटर बोटल भी आती हैं. टेलीविज़न करता है. बुक नहीं करता.
कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करता है, टॉर्च भी करता है और फ्रिज भी करता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। अभी अभी बताया था टू टर्मिनल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ये देखिए, इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स, ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड ए नेगेटिव टर्मिनल। ये है हमारा आंसर थर्ड क्वेश्चन का। तो ये आसान सी वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।